प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग PGH यानी कि बालों का समय से पहले वाइट हो जाना और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं और किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट करती हैं कलर बनने के प्रोसेस को, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, और वो कौन से नए मॉलिक्यूल्स हैं जो बालों को वापस काला कर सकते हैं और वाइट होने का प्रोसेस रोक सकते हैं, इसके बारे में कुछ नए आर्टिकल्स और कुछ नए रेफरेंसेस स्टडीज़ के बारे में आइए देखते हैं। सवाल ये है कि क्या स्मोकिंग से प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बढ़ता है? क्या कोई लिंक है इनके बीच में, मतलब कि जो समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो क्या स्मोकिंग करने वालों में बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं? तो इसका जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक हाँ ऐसा होता है और लगभग 2.5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कि आपको प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग होगी। और इसके रेफरेंसेस हैं, अगर आप ज़्यादा डिटेल में स्टडीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो ये वो स्टडीज़ हैं जो ये रिज़ल्ट बताती हैं। दूसरा सवाल ये कि आखिरकार प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है तो हम कैसे बाल की जड़ों में कलर बना सकते हैं? टारगेटिंग मेलानोजेनेसिस, मेलानोजेनेसिस मतलब कि कलर बनाने का जो प्रोसेस है हम कैसे स्टिमुलेट करें, कैसे उसे टारगेट करें? तो बेसिकली दो वजह होती हैं कलर नहीं बनने की, एक तो ये कि मेलानिन फॉर्मेशन ही इनसफिशिएंट है और दूसरा ये कि जो मेलानोसोम ट्रांसफ़र है यानी मेलानोसाइट जो कलर बना रहे हैं वो बना करके केराटिनोसाइट यानी स्किन की सेल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिफेक्ट है। तो दो बेसिक डिफेक्ट्स हैं और एक टेबल है वो फैक्टर्स बताने के लिए कि कैसे हम कहते हैं कि धूप से स्किन में कलर बन रहा है, लेकिन धूप से स्किन में कलर बनने का जो प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए इस टेबल को देखिए। केराटिनोसाइट यानी स्किन की सेल्स इतने सारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिसे हम पैराक्राइन इफेक्ट बोलते हैं और ये सारे हार्मोन्स मिल करके स्टिमुलेट करते हैं मेलानोसाइट्स को और कलर बनाने के प्रोसेस को। इसमें ACTH है, अल्फा MSH है, BFGF है। BFGF मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। और ET है, एंडोथेलिन्स है, GM-CSF, NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NGF, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, PGF, इंटरल्यूकिन्स हैं, IL, TNF है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और आसपास की सेल्स में इफेक्ट। तो जो हार्मोन्स आसपास की सेल्स में इफेक्ट डाले उन्हें पैराक्राइन बोलते हैं और जो दूर दूर तक की सेल्स में असर डाले उन्हें एंडोक्राइन बोलते हैं। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो अगल बगल की सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और मेलानिन सिंथेसिस यानी कलर बनने का प्रोसेस शुरू होता है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं PGH के लिए, प्रीमैच्योर ग्रेइंग के लिए यानी कि जो समय से पहले बाल वाइट होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? और इन ऑप्शंस में कुछ ऐसे पेप्टाइड्स हैं जो कि स्किन में कलर बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं और उनमें से जो हमारा सबसे इफेक्टिव पेप्टाइड है वो है अल्फा MSH बायोमिमेटिक टेट्रापेप्टाइड। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है और ये अंदर से मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं। इससे और इससे मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स को हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं और इनके हेयर सीरम्स बना सकते हैं और ये सीरम जब हम बालों में लगाएंगे तो बाल वाइट होना रुकेंगे और बालों में नीचे से कलर आना भी शुरू होगा। कुछ और भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जिसमें कि बालों में अंदर से कलर आना शुरू हुआ है तो वो भी देखिए। तो ये है आज के सवाल का जवाब कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपके लिए ये रिस्क है बाल जल्दी वाइट होंगे।